फिलहाल अभी हम लोग एक प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग अभी यहाँ पे उपाय नहीं होके हम लोग को लॉ ब्रेक करना पड़ा। इधर हम लोग का दो भाई ये है अमृत इंटरनेशनल स्कूल। बीच रास्ते में रुका है, वाद्य यंत्र गीत गाना पड़ेगा ऐसा बोल रहा है, तो इसीलिए सोचा है एक गीत भी वहाँ पे गाऊंगा, तो उसके रिगार्डिंग ये हम लोग कुछ ताम झाम लेके जा रहे हैं। प्रतिष्ठा दिवस झंडो उत्तोलन के लिए जा रहे हैं। अभी झंडो उत्तोलन होगा, उसके बाद में यहाँ पे कुछ वो जो वेपन है गोरखा का नेशनल वेपन खुकुरी, उसका कलर, उसके बाद में वो जो स्तंभ 50 ईयर्स का जुबली बनाया है तो उसके लिए भी डेकोरेशन कर रहा है। र सम्पूर्ण नव वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। असममा बसोबास गर्ने नेपाली भाषी गोर्खाहरूको एउटा बौद्धिक समाज बौद्धिक सङ्गठन 1974 सालको 4 जनवरीको दिन आजकै दिन प्रतिष्ठा भएको थियो। 2013 सालको 25-26 मईको अमितेघाटको अधिवेशनदेखि आसाममा यो नेपाली साहित्य परिषद र नेपाली साहित्य सभा भन्ने एउटा जुन चाहिँ साहित्यिक सङ्गठन थियो त्यो सङ्गठन एकीकरण त अगाडि हामी वृक्षारोपक दुईजना हुनुहुन्छ। अब यस पछाडि यहाँ एकचोटि खिचिदिँदै राम्रो हुन्छ कि खिचिदिनुपर्छ नत्र मर्छ, एकचोटि खिचिदिनु अब राम्रो बस्छ नि। साहित्य सभाले प्रतिष्ठाकालीन समयदेखि नै असम तथा उत्तर पूर्वाञ्चलको नेपाली भाषा साहित्यको विकासको क्षेत्रमा जगेडा पुर्याइआएको छ। मैले सम्झना गर्न अग्रसर भइरहेका छौँ। एक नम्बर सुङ्गाजानका गाउँबाट श्रीमान कलश बहादुर ठकुरीज्यूले दियो बाल्दै हुनुहुन्छ। जगत सृष्टिय परम पिता ब्रह्म सत्य त्यता द्वापर कलिकाल नीतिशास्त्र धर्म आजको बेला सूर्जे पञ्च परमेश्वरी सृष्टि आदि विचाराचार यो गाउँ ठाउँ नर नारी बालबच्चा खेतीबारी गोठ गाउँछ राजा देवता मित्र कर्मको अतिमी सत्य धर्मको सत्य नीतिको सत्य अति विद्या बुद्धि हो चेता सर्वसिद्धि ब्रह्म सिद्धि नीति सिद्धि कर्म नारायण। यो एक नम्बरबाट 6 नम्बर ब्लक भन्छ सुङ्गाजानको, यो ब्लकमा सरकारले नै केन्द्रीय सरकार र त्यतिखेरको राज्य सरकारले यहाँ भूतपूर्व सैनिकहरूलाई बसाउने एउटा व्यवस्था 1960-61 वर्षबाट सुरु भएर यहाँ स्थापित चाहिँ भयो।
1963 सनबाट र यो हामीले 50 सालको एउटा जो जो गोल्डन जुब्ली थियो त्यो पनि हामीले मनायो। थोड़ा देर के बाद हम लोग एक गीत परफॉर्म करने वाले हैं, तो इधर में हम लोग के साथ में भाई लोग भी बैठ रहे हैं, थोड़ा शर्मा रहे हैं इधर में, तो बोल रहे हैं कि अभी क्या गान गाएंगे, अभी यहीं भी गा के सुनाइए ना, तो अभी यहाँ तो सुना नहीं सकता, इसीलिए अभी जस्ट ट्यूनिंग करके रखा है, तो अंदर भी जाएंगे तो अंदर भी गाएंगे। आज में एक बुक इनॉग्रेशन जो किया है यहाँ पे, जो वर्ल्ड वॉर टू में मतलब लड़ाई किया था सैनिक, तो उन्हीं के बारे में एक्चुअल में है यहाँ पे, थोड़ा इधर में थोड़ा नेपाली में बताया। तो एक्चुअल में क्या है कि अब यहाँ पे एक है, ये जो भी सैनिक थे यहाँ पे उनके यादों में बनाया गया है, और यहाँ पे सामाजिकरण को आगे बढ़ाया है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मतलब आज में ये शहीदों को याद भी किया गया है, इसीलिए ये प्रोग्राम आज में ऑर्गेनाइज किया गया है। तपाईलाई नै अघि याद गरिरहेको थिएँ, तपाईँलाई देखिन आउनु जाउँ। हामी यता बाटो ए इधरमै हाम्रो गुरुङ सर 2 किलोमिटर 2 किलोमिटर फरक पर्ने ए हो ए अनि त्यस्तो घुम्ने घुम्नाले राम छ, आदि त राम्रो छ नि। नमस्ते लो हातमा न प्लेटमा नि बारम्बार निवेदन छ प्रकृति सञ्चालकलाई पुनः सिन्चित गरी भूमि कृषि योग्य बनाइदिनलाई। आदर र सम्मानमा हुर्केको बालकले प्रशंसा र हित गर्न सिद्ध छ। समयले होते अन्धो कानो जब मलाई बनायो तब गाउँ भयो परदेश आफ्नो छिमेकी पनि भ्यायो। आज त चाँडै विदाय छिमेकी हुने पहिले कुराहरू यस्तो थिएन, मैले नबोलाउँदा पनि मेरो हृदय रूपी मनको भन्ने विचार राखेको समाज र जाति सेवाको देखा राख्दछ। बहुज्ञानकहरू आत्मबलिदान बलिदान जस्तै गोर्खा स्वाभिमान र जीवन्त भोका भगवान् ईश्वरबा हेरेखा विद्यार्थी नागरी कविता एक आह्वान शिवश्रेष्ठ र ईश्वरको वरदान भन्नाले हामी मानव जीवन एउटा ईश्वरको वरदान हो। कहाँ छ मेरो गिटार? गाउनु पर्छ, कति मिठो नाच्यो र ट्याटे ट्याटे गर्छ। हामी अब आमसभा सुरु गर्न गइरहेका छौँ।
उहाँले एउटा अन्तरमा राखेर एउटा उपन्यास लेखिदिनु भयो, म धेरै धेरै उहाँलाई एउटा अभिनन्दन गर्छु। अखमर खाइते नवीन भक्को खकरले हवाई फुलत उठाइजिन। असम नेपाली साहित्य सभा गोलाघाट जिल्ला समिति। असम नेपाली साहित्य सभाको 49 स्थापना दिवस उद्यापन समिति अभिनन्दन पत्र ताङ 4 जनवरी 2022 प्रति श्रद्धास्पद श्रीयुता दीपामणि घोष भराली ढाङ्गुडियाली विशिष्ट उपन्यासी जय जयदेव असम नेपाली साहित्य सभा गोलाघाट जिल्ला समिति। বিশেষভাৱে পোহৰ দিলে মোৰ সহকৰ্মী শ্ৰী প্ৰহ্লাদ চেত্ৰী, গতিকে তেওঁক মই শব্দৰে কৃতজ্ঞতা নজনাওঁ, মই অন্তৰৰ পৰা তেওঁক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আমি সীমান্ত বুলি ক'লে এতিয়া বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয়, বা অসমৰ প্ৰশাসনেই হওক তেওঁলোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হোৱা উচিত। সুইজৰ কথা তেখেতে কৈ আমাক আপ্লুত কৰিলে। मैंने कुछ इसमें इतना सारा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, जस्ट छोटा छोटा बनाया है, तो वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर देंगे और उसी में आप लोगों को आज का जो भी ब्लॉग है वो दिखाते हैं। वर्तमान बड़पथर आइपुगेको अवस्था, जाडोले कोक्रेको अवस्था, गाना बजाउँछ जति गरेर गिटार बोकेको अवस्था, आफू पनि कोक्रेर आइपुगेको अवस्था, अब चाहिँ अब घर जाने अवस्था। यति नै अब ब्लग अब विशेष नगरेर हामीले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अब अन्त गर्ने भन्ने कुरोले अब हामी चाहिँ जान निक्ल्यौँ है।